हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गुड मॉर्निंग। तो संडे का दिन है और सुबह का टाइम है, 8 बज रहा है, पानी आ गया है। तो मैं सोची चलो मशीन लगा देते हैं, बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा हो गया है। डेली डेली मैं मशीन नहीं लगाती हूँ, डेली डेली कपड़े नहीं धोती हूँ, दो तीन दिन पर धोती हूँ एक बार इकट्ठा करके। और मेरा मशीन जो है ना 7.5 kg का है, तो आराम से 15-20 कपड़े मैं एक बार में धो लेती हूँ। छोटा छोटा कपड़ा, मतलब इतना भी हेवी कपड़ा नहीं रहता है। और अभी हस्बैंड आ गए हैं, वीडियो तो मैं बहुत लेट आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सैटरडे के दिन ही आ गए थे, सैटरडे के दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। पिछला ब्लॉग में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि हस्बैंड घर पे नहीं है, वो गए हैं बाहर ऑफिस के काम से, तो वो सैटरडे के दिन आ गए थे। तो सैटरडे के दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि सैटरडे के दिन ना दृशानी के स्कूल में जाना था और वो लेट भी आए थे, तो बाबू को लेकर मैं गई थी क्योंकि उसका ना रिजल्ट निकलने वाला था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था। तो पूरा दिन कैसे मैनेज किया ना वो तो मैं ही जानती हूँ, बहुत ज्यादा भागम भाग हो गया था, ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना पाई। चाय बन रहा है, चाय बन रहा है। दीदी को पहचान लिया, ना 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 भी करता है, रोता है ना, अलग अलग आवाज निकालता है। नहीं, पापा को नाना बाबू बोलते हैं, पापा को नाना बाबू, नाना बाबू बोलते हैं, अयांश अयांश अयांश, मेरा आवाज सुन कैसे भी देखेगा। अयांश मम्मा, अयांश हुई हुई हल्ले। हाँ छुट्टी वाले दिन ना ऐसा ही होता है, बहुत आराम से सारे काम होता है और लेट उठते भी है। तो चलिए अभी ना चाय बनाते हैं। और सबको ना सर्दी खांसी लगी हुई है, मेरा आवाज़ भी आप लोगों को बारी बारी आ रहा होगा, मुझे भी सर्दी खांसी लगी हुई है, तो इसके लिए ना लाल चाय बनाते हैं। और ज़्यादातर हम लोग ना सुबह में लाल चाय ही पीते हैं, तो मैं जब भी ये चाय बनाती हूँ ना तो चाय पत्ती ना एकदम कम डालती हूँ। जितना कम डालेंगे ना उतना अच्छा टेस्टी मतलब ये चाय बनता है। ज़्यादा थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर कड़वा लगने लगता है। तो चाय बन रहा है, तक मैं सोची चलो अभी बिस्तर भी ठीक कर लेते हैं। बेड दोनों बेड बिखरा हुआ है, उधर सोफा कम बेड वैसे ही फैला हुआ है, और इधर का बिस्तर पहले ठीक करूँगी, फिर उसके बाद अयांश को ला के रख दूँगी, फिर उधर का ठीक करूँगी। तो अभी ना बिस्तर ऐसे ही रहने वाला है। हम लोग सोचे चलो अभी यहीं पर चाय पीते हैं, अभी अयांश का मालिश करेंगे, फिर उसके बाद आराम से हटाएंगे। और छुट्टी वाला दिन ना फैमिली के साथ बैठ के इंजॉय करना, थोड़ा बातें करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे देखा जाए ना आजकल ना मतलब सब लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं। देखिए मेरे हस्बैंड मोबाइल ही चला, और जब वो घर पे रहते हैं ना तो थोड़ा बहुत मोबाइल वो भी देखते हैं, और मैं ना चिल्लाते रहती हूँ उनके ऊपर कि मोबाइल मत देखो, कम से कम साथ में बैठे हैं उस वक्त तो मत देखिए। तो वो नहीं देखते हैं, हटा देते हैं, और वो ना ज़्यादातर फेसबुक पे ही एक्टिव रहते हैं, फेसबुक ही थोड़ा बहुत देखते रहते हैं, बाकी यूट्यूब वगैरह इंस्टाग्राम ये सब नहीं चलाते, उतना नहीं एक्टिव रहते उस पर। और अभी यहाँ पर ना मैं रोटी बना रही हूँ क्योंकि रात को चिकन बनाया था, तो चिकन करी है और रोटी बना लिया, तो अभी खा के फटाफट से ना सारे काम निपटाऊँगी, नहा के रेडी हो गए, फिर जाऊँगी डीमार्ट शॉपिंग करने। गुड आफ्टरनून गाइज, कैसे हो आप सब लोग? तो बहुत देर बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। अभी हम लोग का नाश्ता वास्ता सब हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं डीमार्ट। डीमार्ट से थोड़ा बहुत ग्रोसरी भी ला रहे हैं, थोड़ा बहुत मतलब एक्स्ट्रा सामान भी लाना है। तो अभी देखिए मेरा बाबू रेडी हो गया। हैप्पी डीमार्ट डे। हैप्पी क्या बोलिए? डीमार्ट डे। आज डीमार्ट डे है। हाँ। तो पानी की बोतल, मतलब तुमको पानी चाहिए ही चाहिए? रख लो रख लो। वो इसमें क्यों लेके जा रही है? वो उसमें रखो ना, क्या है वहाँ पे, उसमें रखो। चलो सुन बाबा, दीमा जाएगा, सो रहा था सो रहा था, अभी उठ गया। चलो चलो, डरपोक उठ गया। डरपोक नहीं है वो, बहादुर बेटा है मेरा, डरपोक नहीं है। तो अभी हम लोग डीमार्ट जाने के लिए निकल गए हैं घर से। और अभी देखिए इतना कड़क धूप था ना, वैसे ठंडी मौसम है, ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, और वैसे मुंबई में इतना ठंडी नहीं लगती है, गर्मी ही लगता है ज़्यादातर। रात के टाइम पे थोड़ा बहुत लगता है और सुबह के टाइम पे लगता है, नहीं तो पूरा दिन गर्मी ही लगती है, फ़ैन तो चलाना ही पड़ता है। और देखिए इधर रास्ते में काम चालू है, और मेरे घर के साइड में तो काफ़ी टाइम से काम ही काम चल रहा है, कभी इधर खुदाई होता है, कभी उधर खुदाई होता है, कभी नाला बनाते हैं, कभी रोड बनाते हैं, तो अभी काम
ख़त्म ही नहीं हो रहा है इधर का। और अभी हम लोग ना डीमार्ट जा रहे हैं, क्रिसमस आ रहा है, तो उससे पहले हम लोग सोचे चलो क्रिसमस की शॉपिंग कर लेते हैं। क्रिसमस का ज़्यादा टाइम भी नहीं है और डीमार्ट में काफ़ी भीड़ होता है। दिवाली के टाइम पर गए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, इसके लिए सोचा कि नहीं अभी शॉपिंग कर लेते हैं जो भी चीज़ें लाना है। वैसे ज़्यादा ग्रोसरी के सामान नहीं लाना है। नहीं सुनने वाला, ये किसका नहीं सुनेगा, अभी इसको हवा लगेगा ना मस्त सो जाएगा। तो अभी हम लोग डीमार्ट आ गए हैं और थोड़े बहुत शॉपिंग मैंने कर लिए हैं। चावल के बोरी आप लोगों को दिख रहा होगा, ले लिए क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे और ऊपर मतलब कुछ सामान लेना है। और वैसे भी डीमार्ट से शॉपिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक तो घूमना हो जाता है, ऊपर से बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखने को मिलता है क्योंकि डीमार्ट में ना हमेशा कुछ ना कुछ नया कलेक्शन आते रहता है, चाहे वो बर्तन से रिलेटेड हो या फिर कोई भी चीज़ हो, कपड़े उपड़े सब मतलब नया कुछ ना कुछ रहता ही है। और अभी तो ठंडी का मौसम आ गया है तो ठंडी के लिए स्वेटर वगैरह तो हो गए ही, तो डीमार्ट से ही मैंने जैकेट लिया था, वो काफ़ी टाइम पहले लिया था लेकिन बहुत अच्छा जैकेट है। वैसे मुंबई में तो वो जैकेट नहीं पहनते लेकिन जब गांव जाते हैं ठंडी के मौसम में तो हम लोगों को जैकेट तो चाहिए, तो जैकेट पहन के ही जाते हैं। और अभी अभी हम लोग जाने वाले हैं गाँव, तो ठंडी में ही जाने वाले हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं है। देखा जाए तो एक दो महीने बाद मैं बताऊँगी आप लोगों को क्यों जा रहे हैं और कब जाने वाले हैं सब बताऊँगी। तो आज तो मैं सोच कर आई थी कि मुझे ना ये चीज़ लेना है, वो चीज़ लेना है, क्योंकि आज ज़्यादा ग्रोसरी की चीज़ें नहीं लेनी थी तो ज़्यादा बिल नहीं बनेगा, क्योंकि हर मंथ तो शॉपिंग करनी ही पड़ती है और हर मंथ ना आते हैं ना डीमार्ट तो कुछ एक्स्ट्रा ही बिल बन जाता है। हमेशा सोचते हैं कि इस बार ना कम शॉपिंग करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें लेना ही रहता है तो ज़्यादा ही बिल बन जाता है, फिर उसकी वजह से ना हम लोगों को छोड़ना पड़ता है। क्योंकि हर मंथ का ना एक एवरेज होता है कि इतना ही मतलब शॉपिंग करना है, इतना ही पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा हो ही जाता है, थोड़ा ना थोड़ा हो जाता है, थोड़ा बहुत होता है तो मैनेज कर लेते हैं लेकिन ज़्यादा होता है ना तो फिर प्रॉब्लम होने लगता है। और आप सबको पता होगा जो लोग घर चलाते हैं उन लोगों को पता होगा। तो अभी यहाँ पे ना कप का कलेक्शन तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था और मुझे ना कप लेना था तो मैंने इसमें से ना कुछ कप लिए हैं और वो तो आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि कौन सा कप लिया। वैसे आप लोग गेस करके बताइएगा कि कौन सा कप लिए होंगे। तो कप तो मैंने ढेर सारा लिया है और क्योंकि कप ना कप लेने की ज़रूरत थी मेरे घर में ना, पहले तो गेस्ट नहीं आते थे लेकिन अब आते हैं, हस्बैंड के दोस्त लोग आते हैं, उनके ऑफिस के लोग आते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं सोची चलो अभी दो तीन सेट मुझे लेना था कप, न्यू कप, तो वही मैंने देखा है और एक दो सेट मैंने लिया है कप का, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। फिर मुझे कढ़ाई भी लेना था तो वो भी देखे हैं। तो चलिए शॉपिंग क्या क्या मैंने किया है वो तो अलग से ब्लॉग आएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। और यहाँ पे ना मैंने त्रिशानी को मोबाइल दिया था और वो देखिए क्या क्या आप सबको दिखा रही है ना, आप लोग देखते जाइए उसको, जो जो मन हुआ जहाँ जहाँ पर वीडियो बनाने के लिए वो सोची वो बनाते गई। और आयांस इतना खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था ना, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो गया ना, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना वो चीज़ों को देख रहा है, देख के बातें करता है खुद से, हंसता है, एकदम खिलखिला कर हंसता है। और वो आज इतना ज़्यादा हंस रहा था ना कुछ कुछ चीज़ों को देख के, मैं तो एकदम पागल ही हो गई थी। मैं सोची ओह माय गॉड, हंसते हंसते कहीं गिर ना जाए हाथ से, क्योंकि उसको एक हाथ से पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिर मैं उसको ना अच्छे से संभाली और त्रिशानी को दे दी फ़ोन, तुमको जो वीडियो रिकॉर्ड करना है ना वो करते रहो। तो त्रिशानी देखिए क्या क्या बनाई है। और कप का सेट बहुत सुंदर सुंदर था, यहाँ पे देखिए ट्रे दिखा रही है आप लोगों को, कप प्लेट पता नहीं क्या क्या दिखा रही है आप लोगों को। तो चलिए इंजॉय करिए, मिलते हैं घर पहुँच कर।
अभी हम लोग ना घर आ गए हैं, घर पहुंचते घर का काम दिखने लगता है, ओ माय गॉड ये करना है वो करना है, मतलब कहीं भी इंसान को अगर देखा जाए ना तो आराम नहीं है, चाहे वो जेंट्स हो लेडीज़ हो कोई भी हो। और लेडीज़ को तो सबसे ज़्यादा काम रहता है, घर का काम तो कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं है। तो देखिए मैंने डीमार्ट से 4 पनीर का पैकेट लाया है और ये मिल्की मिस्ट पनीर बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। और मदर डेयरी का 1 लीटर का दूध का पैकेट लिया, ज़्यादा दूध नहीं लिया क्योंकि घर पर ऑलरेडी दूध था तो इसके लिए नहीं लिया। और दिशानी को पनीर इतना ज़्यादा पसंद है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़िद करती है मुझे पनीर का ही सब्ज़ी खाना है, और घर में पनीर नहीं रहता है ना तो वो खा नहीं पाती अच्छे से। अयांश क्या कर रहे है तुम? हाँ खूब मस्ती से मुंह में उंगली डाल रहा है ना? हाँ खूब मस्ती से उंगली डाल रहा है ना मुंह में? हाँ कोई बोलने वाला नहीं है ना, कोई इसको बोलने वाला नहीं है। ये इतना खुश हो रहा था डीमार्ट में, इतना खुश हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। तो सारा सामान लेकर ना यहाँ पे रखे हैं, बहुत सारे सामान खरीदे हैं किचन के लिए, तो मैं आप लोगों को ना बाद में दिखाती हूँ। सबसे पहले ना कुछ बनाते हैं खाने के लिए, तो अभी मैं चलती हूँ मैगी बनाने। मैगी बनाएंगे क्योंकि लेट हो गया है, अभी क्या बना के खाए, सबसे जल्दी फटाफट बनने वाला चीज मैगी, वही बना के खाते हैं। अभी ना शाम का टाइम हो गया है, मैगी खाने के बाद ना हम सब लोग ना सो गए थे और मैं तो अच्छे से सो नहीं पाई क्योंकि आयांश अगर अच्छे से नहीं सोता है ना तो फिर मैं भी नहीं सो पाती हूँ। हस्बैंड सोए थे, दिशानी भी अच्छे से सोई थी और मैं उसको ना बार बार देख रही थी, जब वो कम्फर्टेबल होकर सोता है ना तो फिर मुझे भी नींद आती है। और अक्सर ऐसा होता है ना मुझे नींद आती है ना तब वो सोता ही नहीं है, उसके बाद ना मेरी नींद गायब हो जाती है, फिर मैं नहीं सो पाती हूँ अच्छे से। तो अभी दिशानी का हेयर ऑयलिंग कर दिया है और उसका बाल ना एकदम अजीब सा हो गया था, मतलब पूरा उजरा उजरा सा बिखरा बिखरा दिख रहा था, तो फिर मैंने ऑयल लगा दिया, ऑयल लगा के फिर कंघी कर दिया। अभी वो फ्रेश हो गई है, अभी कुछ बनाऊंगी खाने के लिए। वैसे मैंने ब्रेड लाया है और जब भी मैं डीमार्ट जाती हूँ ना वहीं से ब्रेड लाती हूँ, और जब मैं स्मार्ट पॉइंट में जाती थी ना वहाँ से शॉपिंग करती थी तो वहाँ से भी मैं ब्रेड लेकर आती थी। अभी तो स्मार्ट पॉइंट बंद हो गया है, मतलब वहाँ से कहीं और जगह पर शिफ्ट हो गया है तो वहाँ से अभी शॉपिंग नहीं करते हैं, तो डीमार्ट ही जाते हैं तो वहीं से लेकर आते हैं। और इधर लोकल शॉप में जाते हैं ना तो वहाँ पर मुझे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगती है तो इसके लिए मैं नहीं लेती हूँ, पता नहीं अलग ही ब्रेड रहता है, तो इसके लिए डीमार्ट जब जाती हूँ तब भी ब्रेड लाती हूँ। वैसे ब्रेड हम लोग ज़्यादा खाते भी नहीं हैं, तो ये ब्राउन ब्रेड है और भी ना बटर लगा के सेक लेंगे। और एक साइड में मैं चाय बना रही हूँ, और ये जो छोटा कटोरा है ना काफ़ी हेवी है, इसमें का 2 कटोरा है मेरे पास, जब हस्बैंड अकेले रहते थे ना तो वो भी इसी कटोरे में चाय बनाते थे, तो 2 आदमी के पीने के लिए ना चाय काफ़ी अच्छे से इसमें बन जाता है, तो मैं हमेशा ना इसमें ही बनाती हूँ, और धोने में भी काफ़ी ईजी रहता है। और मैंने ना चाय को ना दूसरे वाले चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है क्योंकि जो चूल्हे पे मैंने रखा था ना चाय बनने के लिए वो चूल्हा ना अच्छे से जल नहीं रहा है। उस दिन मैंने आप लोगों को बोला था ना कि लग रहा है कि गैस खत्म हो गया, सिलेंडर खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, अभी तक वही सिलेंडर लगा हुआ है, लेकिन वो जो चूल्हा है ना वो अच्छे से जल नहीं रहा। और अभी दिशानी बालकनी में बैठ के खा रही है, उसको ना केचप लगा के दे दिया, उसको उस टाइप का ना ब्रेड काफी अच्छा लगता है, केचप लगा देते हैं तो वो बहुत मजे से खा लेती है। और अभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ चाय के साथ ब्रेड खाएंगे। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? तो अभी ना जा रही हूँ डिनर बनाने, अभी मैं नीचे गई थी और नीचे से थोड़ा वॉक करके आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा घूम के आई। और क्या कर रही हूँ, ठंडा पानी मत पियो, गर्म पानी पियो, गर्म पानी नहीं नहीं गर्म पानी पियो, रखो रखो गर्म पानी पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, खांसी हो रहा है, पता नहीं आजकल खांसी ठीक ही नहीं हो रहा है मेरा भी, किसी का भी खांसी नहीं, किसी का भी खांसी 2-4 दिन ठीक रहता है फिर से खांसी आने लगता है, दवा खा खा के तो मैं छोड़ ही दी दवा एकदम से, देखिए कितना दवा खाए है ना, फार्मेसी का पानी पीते पानी है ना, ठंडा पानी पीना भी मत है, और ये ना चोरी छुप के ना ठंडा पानी पी लेती जिसकी वजह से ना इसको खांसी आती है।
और मैं तो कब से गर्म पानी पी रही हूँ, ठंडा पानी पीने का तो मतलब अभी तो आदत ही खत्म हो गया है। ठंडा पानी अच्छा भी नहीं लगता है अभी तो, फिर भी लेकिन कभी कभी ना खांसी बहुत आती है। और अभी जा रही हूँ डिनर बनाने, नीचे गई थी अंडा लेकर आई हूँ और अभी अंडे की सब्जी बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी। दिन में रोटी खाया था और डिमर चले गए थे तो उसके बाद आए तो कुछ खाया नहीं, मतलब कुछ बनाया नहीं, तो वही मैगी बना के खाए थे, इसके लिए अभी ना राइस बनाऊंगी। अयान अभी तक सोया हुआ है, उसका ना मालिश भी नहीं हुआ है अभी। अब मैं सोच रही हूँ ना खाना बना के खा के फिर उसके बाद मालिश करूँगी, फिर उसको सुलाऊंगी, आराम से सो जाएगा वो। और अभी दिलशानी को ना पढ़ने के लिए दूंगी क्योंकि आजकल ना उसका पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। मेरे पास ना इतना टाइम नहीं रहता कि मैं उसको बैठा के घंटे पढ़ाऊँ, और हस्बैंड भी इतना लेट आते हैं ना ऑफिस, वो भी थके रहते हैं, उनको भी मन नहीं करता है पढ़ाने का। और आप लोग सोच सकते हैं ना कि छोटे बच्चे के साथ बहुत मुश्किल होता है घर का काम मैनेज करना, फिर यूट्यूब का काम, और आजकल तो वीडियो भी मेरा रेगुलर नहीं आ रहा है। वीडियो तो मैं बना लेती हूँ लेकिन एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता है। घर का काम ख़त्म करते करते सोचती हूँ वीडियो एडिट करूँगी तो कभी आयांस उठ जाता है, और वो उठ जाता है ना तो फिर उसके बाद बहुत मुश्किल होता है वीडियो एडिट करना। उसको फिर कराती हूँ, फिर सुलाती हूँ, सुलाते सुलाते काफ़ी टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद घर का काम जो बचा रहता है वो करती हूँ, फिर वीडियो एडिट करना होता ही नहीं है। फिर रात में ना कम से कम तो 11 बज ही जाता है मुझे बिस्तर पर जाते जाते, और उस टाइम पर अगर आयांस हो गया है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे नींद आने लगता है, नहीं तो कभी कभी ना वो बहुत लेट तक वो जगा रहता है तो फिर मैं रात में वीडियो एडिट कर ही नहीं पाती हूँ। तो इसी तरह से ना अभी चल रहा है, और अभी कितने सारे ब्लॉग तो मेरा पेंडिंग में पड़ा हुआ है। एक फ्रेंड ने पूछा था कि आपने आयांस का वैक्सीनेशन कराया है कि नहीं, तो उसका वैक्सीन लग गया है, सेकेंड मंथ का जो वैक्सीन होता है ना वो लग गया है, लेकिन वो ब्लॉग अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और वैक्सीन लगा ना उसके बाद आयांस बहुत ज़्यादा परेशान किया था, 2 दिन तक तो बहुत परेशान किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो इसके लिए ना वो वीडियो रह गया और अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है। और मैंने एडिट भी किया है, वॉइस ओवर करना है, मैं सोचती हूँ डालूँ कि ना डालूँ, आप लोग बोलेंगे तो ज़रूर डालेंगे। तो अभी ना खाना बन गया और खाना हम लोग खा लिए हैं, और खाना खाने के बाद ना मैं अभी बिस्तर ठीक कर रही हूँ क्योंकि आयांस को सुलाना है। अभी वो सो गया है वैसे, तो अभी यहाँ पे ला के रख दूँगी और यहाँ जैसे ला के रखूँगी ना वो उठ जाएगा। तो बच्चे ना ऐसे ही होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट करो ना तो उठ ही जाते हैं, थोड़ा भी हिलडोल नहीं होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर उसको सुला देते हैं, वैसे उसका मालिश हो गया है, मालिश मैंने कर दिया है, और अभी ना मच्छरदानी लगा देंगे और अभी वो आराम से खेलेगा क्योंकि अभी 11-12 बजे तक वो सोने वाला नहीं है, वो खेलते रहेगा, उसके बाद ही उसको नींद आता है। तो नींद आता है ना एकदम गहरी नींद में आ जाता है ना, तो फिर थोड़ा सा उसके सर पे मसाज करो या फिर ऐसे थपथपाओ ना तो वो सो जाता है। और अभी ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 11 तो बज ही गया है, किचन वगैरह सब मैंने क्लीन कर लिया है, और जो भी शॉपिंग करके लाया है ना डीमार्ट से वो सब चीज़ें मैं आज के ब्लॉग में नहीं दिखा पा रही हूँ। एक तो वीडियो लंबा हो गया, ऊपर से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है ना इसके लिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया, और वैसे आप लोग गेस करके बताना कि मैंने क्या क्या खरीद के लाया है। और मैंने हीट एंटी रोज जेल ये भी लेकर आए थे डीमार्ट से, तो अभी मैं वही लगा रही हूँ और देखते हैं इसे कॉकरोच मरता है कि नहीं। वैसे आप सबने यूज किया है तो मैं भी यूज करके देख रही हूँ अभी इसका क्या रिजल्ट आता है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो ना यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट्स फॉर ड्रीम।